स्वागत है। मैं हूँ शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सलाम इंडिया। इस खास प्रोग्राम में आज हमारे साथ है उपेंद्र राणा। देखिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है। देश को आर्थिक रूप से सुधार और संबंध बनाने में डिजिटल क्रांति साबित होगा। उसी डिजिटल को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले युवा और ऊर्जावान शख्स उपेंद्र राणा, जिन्होंने अपनी काबिलियत से डिजिटल मार्केटिंग पर दर्जनों किताबें लिख डाली हैं। आज पूरे देश भर में मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया व डिजिटल इंडिया की बात हो रही है और इस 21वीं सदी में देश के नए आयामों की ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत में भी इस तरह की प्रतिभा की कमी नहीं है। इसी के तहत आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराते हैं जिन्होंने देश में पहली बार डिजिटल इंडिया के ऊपर 8 बुक लिखी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद में रहने वाले युवा ऊर्जावान व्यक्ति उपेंद्र राणा की। उनसे बात की हमारे राष्ट्रीय संवाददाता शुभम गुप्ता ने और उनसे बुक के साथ साथ उनके इस तरह के योगदान के विषय में भी बात की। देखिए शुभम गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त आपके साथ शुभम गुप्ता। देश में डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की बात होती है और इसी के तहत आज हम आपको एक ऐसे पर्सन से मिलाने वाले हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक ऐसी बुक लिखी हुई है इन्होंने, जो अपने आप में फर्स्ट रैंकिंग और बहुत ही फेमस है। हमारे साथ हैं उपेंद्र राणा जी, मैं आपसे मिलवाता हूँ। स्वागत है आपका उपेंद्र राणा जी। नमस्ते गुप्ता जी। न्यूज़ इंडिया में सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा जी, जो बुक लिखे हुए हैं जी, ठीक है, उस किताब के बारे में आपको इंट्रोड्यूस हमारे दर्शकों को कराइए। सर, जो मेरी बुक है उससे आपको ये पता लग सकता है कि आपकी वेबसाइट टॉप 10 में कैसे आएगी। और इस तरीके की मैंने 8 बुक लिखी हुई है और 8 की 8 14 वेबसाइट पे सेल्स हो रही है और वो 14 वेबसाइट सेल कर रही है पूरे वर्ल्ड में। मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास ये माइंड में कैसे आया कि इस बुक को लिखा जाए, क्या सोच थी, किन सोच के जरिए आपने ये बुक। सर, जब मैंने 2012 में जॉब की शुरुआत की थी तब उस समय 2 महीने मैंने एक कंपनी के फ्री में काम किया था, तो मुझे लगा कि जब हमने लाखों, मैंने भी सोचा और नेक कदम है और मुझे पहला एसी बुक राइटर का टैग दिया गया है, मुझे बहुत खुशी इस बात की। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया में आप जिस प्रकार से सहयोग बना, आपने बोलता है कि 8 बुक लिखे हुए हैं, दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे आपकी बुक्स का क्या नाम है, कुछ बुक्स की जिसको बारे में दर्शक भी अगर उत्साहित हो खरीदने के लिए। एक मेरी बुक है टेक्निक्स ऑफ एसईओ 2015, जो कि मतलब बेस्ट सेलिंग बुक्स रही 2015 में टेक्निकल बुक्स में। और उसके बाद लिखी थी मैंने एक टैक्टिक्स ऑफ इंडिया, उसके बाद मैंने लिखी है एक मोबाइल में आपकी बुक कैसे रैंक करेगी मोबाइल में, उसका लिखा है एक सोशल मीडिया पे भी लिखी है मैंने, जो कि आपको बताएगा कि सोशल मीडिया में आप कैसे करेंगे ताकि आपकी यूजर एंगेजमेंट ज़्यादा हो। गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट ये है कि जो स्किल इंडिया है उसका हमारा इंस्टीट्यूट भी है जो उसका पार्ट बन चुका है। अब मैं लोगों को डिजिटल एसईओ एसएमओ डिजिटल मार्केटिंग के सारे कोर्स मतलब सिखाता हूँ। मैं वीकेंड क्लासेस में मेरी जो सैटरडे संडे लोग सीख सकते हैं उसको। बहुत अच्छी बात है आपने वीकेंड क्लासेस में सैटरडे संडे रखा है कि लोगों को सीखने के लिए, इससे आने वाले दिनों में जो हमारी युवा पीढ़ी है वो तरक्की के रास्ते पर जाएंगे। मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा कि अभी तक का जो आपका सफर रहा है वह कैसा रहा। अभी तक का सफर बहुत ही अच्छा रहा है, अच्छा मतलब रेस्पॉन्स भी रहा है रीडर से, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला क्योंकि उनके व्यू आते हैं कि आपने ये कमियां थी या आपको आपने अपने बारे में कुछ ज़्यादा नहीं लिखा अपनी बुक्स में, तो अब मैं जो नई बुक्स लिख रहा हूँ उसमें अपने बारे में भी लिखूंगा। मैं नौ युवक हैं जो पीढ़ी है वो अभी इस तरह डिजिटल इंडिया में अपना सहयोग प्रदान करें, तो आप क्या उद्देश्य क्या संदेश देना चाहेंगे। मैंने अपनी स्कूलिंग जो है अरुणाचल प्रदेश से की है, उसके बाद मैं 12th के बाद यहाँ साहिबाबाद में आया, IIME कॉलेज से मैंने BCA और MCA किया और मेरे फादर जो है प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट स्कूल में और वही मेरे रोल मॉडल हैं क्योंकि उन्होंने ही मुझे एक सिखाया कि बेटा कैसे करना है कैसे नहीं करना है लाइफ में, आगे हर चीज़ से टैकल करना है। क्योंकि एक समय ऐसा था जब मैं 2 महीने फ्री में काम कर रहा था किसी कंपनी के लिए, तो उनका साथ मिला है मुझे भरपूर। स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया में जिस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं और ये रोल मॉडल अपने फैमिली को मानते हैं, अपने पिताजी को मानते हैं, अपनी वाइफ को मानते हैं, तो उनकी वाइफ से जानने की कोशिश करेंगे कि वह किस नजरिए से देखती हैं। हमारे साथ उपेंद्र जी की वाइफ हैं, इनसे हम ये जानते हैं आप अपने पति की सफलता को किस नजर से देखती हैं और आने वाले भविष्य के बारे में क्या सोच रखती हैं। मैं यही सोचती हूँ कि अच्छा है कि डिजिटल मार्केटिंग आजकल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो इस चीज में लिख रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है और वो ऐसे ही
सक्सेस करते रहें, ऐसे ही और भी मतलब दूसरों लोगों के जैसे उन्होंने अपने करियर में सबसे पहले स्टार्टिंग फेज में मतलब सहा है कि हाँ क्या है क्या नहीं है, तो उसकी वजह से अब जो लिख रहे हैं तो उससे दूसरों को भी मदद मिलेगी। एक एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी तक इन्होंने 8 बुक लिखी और 2015 में इन्हें अवार्ड भी मिला है, पिछला बैकग्राउंड जो इनका रहा है उसमें आपने किस प्रकार से इनकी सहयोग की? जैसे पिछले बैकग्राउंड में जैसे इन्हें जब लिख रहे थे तो मैंने सोचा कि हाँ ये सबके लिए भी साथ देंगे, सबका होगा, तो उनके डाउन फेजेस में भी इनके साथ में खड़े रहके ऐसे सपोर्ट। और उपेन जी जनरल जैसा होता है कि वो फैमिली को अपना रोल मॉडल मानते हैं, मैं इनके भाई से पूछना चाहता हूँ कि वो अपने भाई छोटे भाई की सफलता को किस नजर से देखते हैं और कैसे सपोर्ट करते हैं? मतलब हमारे लिए बहुत ही बड़ा बताना चाहूँगा कि मौका है जहाँ पर मेरे छोटे भाई ने मतलब मुझे पहले से मालूम था कि ये कुछ आगे करेगा और हमेशा से हम लोगों ने इसको मोटिवेट किया कि अपना कुछ इनिशिएटिव लो और मतलब वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम। तो आपने देखा उपेन जी के फैमिली के जो है वो हमेशा सपोर्ट करती आ रही है और उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश करी कि हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो खासियत ये है कि आज इंडिया में डिजिटल इंडिया की बात होती है, मेक इन इंडिया की बात होती है और उपेंद्र जी जैसे लोग इसमें अपनी पहचान बनाते हुए सहयोग कर रहे हैं, यह बहुत ही गर्व की बात है। मैं शुभम कुमार गुप्ता, SNI न्यूज। देश विदेश से लेकर हर पहलू की बात तक, हर बिंदुओं पर चर्चा, हर मुद्दे पर बात, मनोरंजन को लेकर हर भाषा के साथ हर सच को दिखाए, हर खबर की तह तक जाए, पूरे विश्व की एक आवाज बन जाए। सक्षम न्यूज इंडिया, बदले सोच समय के साथ।